नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनता दरबार में एक छात्र की मांग पर सीएम को आया गुस्सा। उत्तर बिहार के कई जिलों से झारखंड तक शुरू होगी बस सेवा। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। पटना जंक्शन में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम हुए कम। कश्मीर हमले में बिहारी लोग की जान जाने पर मांझी ने कर दी बड़ी मांग। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में ताजा मामले में सिर्फ बेगूसराय से मिले कोरोना केस। बिहार से अब कोरोना का खतरा टल गया है क्योंकि कई दिनों से यहां गिने चुने ही मामले देखने को मिल रहा है। वहीं रिकवरी रेट में भी बड़ा सुधार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 118,253 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर बिहार में एक भी मरीज नहीं मिले। हालांकि बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 5 मरीज जांच से इतर मिले हैं, ये सभी बेगूसराय में मिले हैं। इस दौरान एक मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 47 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है। त्योहार में बिहार आने वाले लोगों को सरकार करेगी वैक्सीनेट। बिहार में 6 महीने के भीतर ही दोनों डोज मिलाकर 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और अब सरकार राज्य में दूसरे डोज देने के लिए कई अभियान चला रही है। एक अधूरा दो से पूरा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते हुए बताया जा रहा है कि दूसरे डोज लगाने के बाद ही वैक्सीन लेने की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने त्योहारों में बिहार आने वाले लोगों पर खास नजर बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ पूजा में बड़ी तादाद में लोग बिहार आएंगे, ऐसे में उनके लिए वैक्सीनेशन अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही लोगों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। वहीं मंगल पांडे ने यह भी जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार देश भर में 33वें स्थान पर है। पटना जंक्शन में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम हुए कम। दानापुर रेल मंडल के छोटे बड़े स्टेशनों से होकर सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को घटा दिया गया है। पहले की तरह ही अब मात्र 10 रुपए ही प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लग रहे हैं। बताते चले कि रेलवे का यह नया आदेश शनिवार की रात से ही लागू है और बीते दिन रविवार को भी पटना जंक्शन में यात्रियों को 10 रुपए ही प्लेटफॉर्म टिकट लगे हैं। रेलवे प्रशासन के इस फैसले से 13 स्टेशनों के यात्रियों और उनके परिजनों को राहत मिली है, जिसके तहत पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना साहिब, मोकामा, डुमराव, बीटा व अन्य दानापुर रेल मंडल के सभी बड़े स्टेशनों पर 50 रुपए की जगह अब 10 रुपए ही लग रहे हैं। कश्मीर हमले में बिहारी लोग की जान जाने पर मांझी ने कर दी बड़ी मांग। जम्मू कश्मीर में बिहार के 2 मजदूरों की जान हमले में होने के बाद से ही बिहार की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही हैं, जिसके तहत तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने सरकार पर जुबानी हमला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। पूर्व सीएम मांझी ने कहा कि इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। साथ ही ट्वीट में पीएम मोदी और अमित शाह से मांग किया कि कश्मीर के हालातों को सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों को दे दिया जाए। 15 दिनों में ही बिहार के लोग दहशतगर्दों को सुधार कर रख देंगे। विधानसभा शताब्दी समारोह में करीब 1,500 मेहमान होंगे शामिल। 21 अक्टूबर को बिहार में विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसके साक्षी करीब 1,500 माननीय बनने वाले हैं। समारोह के सबसे खास मेहमान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। तो वहीं इस समारोह में बिहार के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद, सभी वर्तमान व पूर्व विधायक तथा विधान पार्षद आमंत्रित किए गए हैं। इनमें केंद्र सरकार में बिहार कोटे से शामिल सभी मंत्री भी आमंत्रित है। कार्यक्रम की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत पूरे भवन को रंगीन बल्बों से जगमग कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर स्मारिका का भी लोकार्पण होगा, जिसे राष्ट्रपति विमोचित करेंगे। जनता दरबार में एक छात्र की मांग पर सीएम को आया गुस्सा। नियमित समय की तरह आज दिन में मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर बार की तरह अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों की फरियाद सुनी गई। हालांकि आज के एक छात्र की शिकायत पर उस छात्र पर ही सीएम नीतीश कुमार गरमा गए। दरअसल गया के शेरघाटी से आए एक युवक का कहना था कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन माली हालत खराब होने के कारण प्राइवेट कोचिंग नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से उसने सीएम से आर्थिक सहायता देने की मांग की। इस बात पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, प्राइवेट कोचिंग के लिए सरकारी मदद का प्रावधान नहीं है, जनरल स्पीच देने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में कई मदद कर रही है। बताते चले कि आज के जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व अन्य विभागों की शिकायतों को सुना। उत्तर बिहार के कई जिलों से झारखंड तक शुरू होगी
बस सेवा। बिहार के उत्तरी हिस्से में बसे लोग अब झारखंड के अलग अलग शहरों में बस के जरिए सफर कर सकेंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक कल पटना में होने वाले राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में इस बात पर मुहर लग जाएगी। जल्द ही उत्तर बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए समझौते के तहत बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके तहत करीब 200 रूट झारखंड के मार्ग से जुड़ेंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर के अलावे मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले शामिल है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर से रांची, टाटा, धनबाद और बोकारो के लिए बसें चलेंगी। अभी इन रूटों पर पहले से 2 दर्जन से अधिक निजी बसों का भी परिचालन हो रहा है, लेकिन परिवहन विभाग की बसों का किराया निजी ऑपरेटरों से 10-25% कम होगा। इससे इन सरकारी बसों में लोगों को राहत मिलेगी। भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अश्विनी चौबे ने किया निरीक्षण। भागलपुर दौरे में गए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जिले के बरारी में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी वार्ड और कमरों का बारीकी से निरीक्षण करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की व अस्पताल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने दिसंबर तक निर्माण के काम पूरे होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ सामान विदेशों से भी मंगवाया जा रहा है, से लेकर थोड़ा वक्त लग रहा है। वही जनवरी महीने से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो जाने की बात कही गई है। बताते चले कि मंत्री अश्विनी चौबे ने ही बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भागलपुर में इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी थी। बिहार कांग्रेस ने अपनी जीत का किया दावा। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बिहार में गहमागहमी की स्थिति देखने को मिल रही है। दो धरों में बैठी महागठबंधन भी लगातार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मैदान में लगी हुई है, तो वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव में अपनी जीत होने का दावा किया है, जिसके तहत कांग्रेस के MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि हम लोगों ने कुशेश्वरस्थान और तारापुर सीट से जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है वे दोनों युवा हैं, दूसरे दलों के प्रत्याशियों की अपेक्षा अच्छे छवि के हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कोरोना संकट के दौरान क्या काम किया है इसे जनता ने देखा है, इस लिहाज से जनता JDU को वोट क्यों देगी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या में होगा इजाफा। राजधानी पटना स्थित बिहार के एकमात्र हाईकोर्ट में 2 दिनों बाद यानी कि 20 अक्टूबर को 7 जज एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। उसके अगले दिन से ये सभी जज अपने कार्यभार को भी संभाल लेने वाले हैं। इन जजों के आने से पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या में इजाफा होगा और यह बढ़कर 26 हो जाएगी। आपको बताते चले कि शपथ लेने वालों में पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट के जज का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में होने वाला है, जबकि 4 जज की नई होगी। इन सभी को 20 अक्टूबर के दिन 11 बजे चीफ जस्टिस संजय करोल शपथ दिलवाएंगे। इस नियुक्ति के बाद पटना हाईकोर्ट में 27 खाली सीटें बचेंगी, जो कि जजों की भर्ती के लिए निर्धारित है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच की अनबन को भाजपा नेता ने बताया नाटक। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के साथ साथ राजद भी अलग थलग पड़ गई है। उपचुनाव में तेज प्रताप यादव तारापुर सीट से तो राजद प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कुशेश्वर स्थान सीट से वे कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। यादव ब्रदर्स आपस में ही आमने सामने हो गए हैं, मगर भाजपा इसे नाटक और मिलीभगत बता रही है। बीजेपी नेता नवल किशोर ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने और सहानुभूति पाने के लिए दोनों ही भाई ऐसा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजद ऐसा दिखाकर जनता को ठगने का काम कर रही है, लेकिन लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ही सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत होने वाली है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है, जिसका अमूमन हर क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने इंडिया पाकिस्तान के मैच पर आपत्ति दर्ज की है और इस मैच के आयोजन पर विचार करने को कहा है। गृह मंत्री ने कहा कि इस समय कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और दोनों ही देशों के बीच संबंध भी इन दिनों खराब चल रहे हैं। ऐसे में पाक के साथ क्रिकेट मैच पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब संबंध अच्छे नहीं तो क्रिकेट मैच कराने को लेकर मंथन होना चाहिए। बताते चले कि बीते 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में पाक के पनाह में पल रहे दहशतगर्दों ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली है। जम्मू कश्मीर में 2 बिहारियों की मौत पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले में 2 बिहारियों की जान चली गई, जिससे एक बार फिर बिहार की नीतीश सरकार घेरे में आ गई है। उन्हें सवालों में घेरे में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने लाया है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को बिहार के लोगों के रोजगार और पलायन से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में यदि रोजगार रहता तो दूसरे शहरों में यहाँ के लोग काम करने के लिए पलायन नहीं करते। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी नृशंस घटना
के दोषी खुद मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार के अभाव और 16 वर्षों में सरकार के द्वारा पलायन को रोकने हेतु गंभीर कदम न उठाना ही ऐसी घटनाओं की वजह बनता है। बिहार के मोतिहारी जिले से आर्यन खान केस के जुड़े हैं तार। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस के तार बिहार के मोतिहारी जिले से भी जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर पार्टी के दौरान आर्यन खान के साथ जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद तस्कर विजय वंशी प्रसाद का एक रिश्तेदार भी शामिल था। उस रिश्तेदार से एनसीबी की पूछताछ में जानकारी मिली कि मुंबई निवासी विजय वंशी फिलहाल अपने साथियों के साथ मोतिहारी जेल में बंद है। इसके बाद एनसीबी ने मोतिहारी पुलिस और जेल से संपर्क साधकर जानकारी ली और वहां बंद विजय वंशी प्रसाद और मोहम्मद उस्मान को रिमांड कराकर मुंबई ले जाने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि क्रूज पर पकड़े गए लोगों ने बताया है कि यह तस्करी नेपाल और मुजफ्फरपुर से कई तस्करों से जुड़ी है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम को दी सलाह। यूएई में भारत की मेजबानी में चल रहे टी20 विश्व कप में भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम को सलाह दी और कहा कि उन्हें इस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और मैच दर मैच आगे बढ़ना चाहिए। गांगुली ने कहा कि आप आसानी से चैंपियन नहीं बनते हैं और आप सिर्फ एक टूर्नामेंट में कदम रखने से चैंपियन नहीं बनते हैं, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, उन्हें परिपक्वता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों में प्रतिभा है, उन सभी में इस स्तर पर रन बनाने और विकेट लेने का कौशल है, उन्हें विश्व कप जीतने के लिए मानसिक रूप से अच्छी जगह पर होना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार जम्मू कश्मीर में हुए हमले को देखते हुए क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलने का संबंध रहना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ।